अक्सर छात्रों को परीक्षा देने के बाद अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और जब बात बोर्ड परीक्षा की हो तो फिर क्या ही कहने। जब तक रिजल्ट ना आए छात्र बस इंतजार ही करते रहते हैं। लेकिन अब खबर है यूपी बोर्ड को लेकर। जिन छात्रों ने इस साल यूपी बोर्ड में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है उन्हें अपने परिणामों का अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड आज रिजल्ट की घोषणा करने वाला है। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड आज यानी 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष आज दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। निर्वाचन आयोग और शासन की अनुमति शुक्रवार देर शाम मिलने के बाद सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने तारीख की घोषणा कर दी थी। परिणाम की घोषणा यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में की जाएगी। बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट upresults.nic.in और upmsp.edu.in, इसके अलावा results.upmsp.edu.in पर भी आप बखूबी चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड में जितने विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं इतने देश के किसी बोर्ड में नहीं होते। यहां तक कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाता है। इस बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की संयुक्त रूप से यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 55,25,308 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। उनमें से 12वीं क्लास में 29,47,311 छात्र पंजीकृत थे, जबकि 10वीं क्लास में 25,77,997 छात्र परीक्षाओं के लिए पंजीकृत थे। इतनी ज्यादा स्टूडेंट की करोड़ों कॉपियों को बेहद ही कम समय में चेक करना वाकई एक काबिले तारीफ काम है। अब आपको बताते हैं कि जब 2 बजे रिजल्ट आएगा तो आप सबसे पहले रिजल्ट को चेक करने के लिए क्या करें। सबसे पहले रिजल्ट जारी होने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं। इसके बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा और बोर्ड रिजल्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यूपी बोर्ड क्लास जो भी रिजल्ट चेक करना चाहते हैं 10th एग्जामिनेशन मैट्रिक रिजल्ट 2024 पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और रोल कार्ड दर्ज करके सबमिट करें, जो भी आपका 10th का है और 12th का है। इसके बाद यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। फिर आप अपनी प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड करें, आगे के लिए आप अपना प्रिंट आउट भी सेव कर लें। जाहिर है कि मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च को संपन्न हो गया था। इसके बाद परिणाम तैयार कराया गया। बोर्ड के इतिहास में सबसे जल्दी रिजल्ट आने का ये नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले 2023 की परीक्षा का परिणाम सबसे जल्दी यानी 25 अप्रैल को घोषित किया गया था, और इस बार यानी 5 दिन पहले ही ये रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट जारी होने से पहले यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड ने सभी कमियां पूरी कर ली हैं। स्टेट और जिला टॉपरों की भी कॉपियां दोबारा से चेक की गई हैं। सभी डाटा मंगवा कर अंकों का मिलान हो गया है और रिजल्ट में कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, इसलिए पूरी एहतियात भी बरती गई है। अब इंतजार है बस 2 बजे का, जब रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।